माली दक्षा, वीडियो ऑन करो और माइक ऑन करो, बाकी सब बंद रखेंगे। दक्षा बेटा, तुम्हारा नीचे फोन पे वीडियो ऑन करो तो। हेलो, चलो दिखाई दे रहा है ना, कोई नहीं। चलो अभी एक काम करना है, हाँ आदित्य खाली माइक ऑन रखना, बाकी कोई माइक ऑन नहीं रखेगा। ठीक, अपने जो सवाल लिया था उसके बाद वाला एक सवाल ले रहे हैं। हाँ, पहला हो गया था, दूसरा आपने लिखा हुआ 196 और 196 और 38,220। मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। मेरे पास बुक है तो वो मैं बुक मोबाइल में देखते जा रहा हूँ। कंप्लीट है, दिख रहा है सबको? अब एचसीएफ ज्ञात करना है तो 196, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं परंतु एक स्टेप का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। अभी 196 और 38,220 में बड़ा कौन है? तो 38,220 है, उसके बराबर लिख लेने का 196। अब तुम्हें क्या करना है, 196 का 38,220 में भाग देना है। तो ये रफ काम है, इसे साइड में कर लेता हूँ। यह है 196 और 38,220 में तुम्हें भाग देना है, ठीक है। अब 196 का पहाड़ा ना तुमको आता है ना मुझे आता है, बराबर, क्योंकि एक बड़ी रकम है। इसके लिए 196 का अपने क्या कर लेते हैं, ऐसे रफ में 196 गुणे कितना किया जाए कि उत्तर 38,220 के आसपास आए, ठीक है। अगर मैं 10 बार पढ़ता हूँ पहाड़ा, जिनको आता है कोई बात नहीं, अब खाली देखना है तुम्हें। अगर 10 बार पहाड़ा पढ़ता हूँ तो 1960 आएगा, क्योंकि 196 दाम माँ 1960 होगा, जबकि मुझे भाग देना है और उत्तर लाना है 38,220। बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, और 1960 बहुत कम रकम है, इसलिए हमें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं 100 बार भी पढ़ता हूँ, 1960 में गुणा करता हूँ 100, तो 19,600 आएगा। अभी भी तुम देखो, 196 गुणा 100 करूँगा तो 19,600 आएगा, और जबकि मुझे 38,220 प्राप्त करना है, ठीक है। अब समझ लेना ध्यान से, 1996 एकम 1996 होता है, 1996 एकम एक बराबर सॉरी 196 एकम 196 होता है, 196 दूनी कितना होता है वो पढ़ो। ये तुम्हें पहाड़ा रफ में लिखना पड़ेगा, तो 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 1 कम 2 और 1 3 392। जबकि यहाँ 196 का पहाड़ा तुम 382 तक ही पढ़ सकते हो, तीन आंकड़े लेंगे अपने, तीन आंकड़े, ठीक है, और उसमें भाग देना है। तो 196 एकम 196 बराबर। अब यहाँ पे अपने 2 में से 6 घटेगा नहीं, घटाना है, तो यहाँ उधार ले लेंगे 12, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ हो गया 7, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ से उधार ले लो, 17, 17 में से 9 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा 2 में से 1 जाए 1 बचेगा, तो तुम्हारा 186 बचा। अब ऊपर से 2 अंक उतार लो, 1862 लाना है तुम्हें, तो 196 त्याई कितना होता है, 196 चौक कितना होता है, 196 पंचे कितना होता है, ये सब तुम्हें लिखते जाना है पहाड़ा,
तो मैं 5 बार का चेक। किशन आवाज आ रही है ना? हाँ, अब देखो, 5 5 36, 5 बार वाला कर रहा हूँ। 196 5 कितना होता है? 5 36 का 0, 8 लगी 3, 5 9 45, 45 और 3 हो जाएगा तुम्हारा 48 का 8, 8 लगे 4, 5 एकम 5, 4 9, 980। जबकि मुझे 1862 लाना है। कितना लाना है? 1862। तो 196 का मैं 9 बार पहाड़ा पढ़ के देख लेता हूँ। 9 6 54 की 4, 8 लगी 5, 9 9 81, 81 और 5 जोड़ा ये हो गया तुम्हारे 86, 86 के 6, 8 8, 9 1 9 और 9 8 ये हो जाएगा तुम्हारा 17, 1764। ये सही है, 1764। अब अपने इसको कितने बार पढ़े थे पहाड़ा? 9 बार पढ़े थे, 9 बार ऊपर लिख दिया, 1 बार और 9 बार। ठीक है, चलो तो घटा देते हैं, 2 में से 4 तो घटेगा नहीं, तो 12, 12 में से 4 गए, 8 बचेगा, यहाँ 5 बचे। अब 5 के लिए एक उधार लेना पड़ेगा यहाँ से, तो यहाँ 7 हो गए, 15 में से 6 गए 9, 7 में से 7 गए 0, 1 का 1। अब ऊपर से ये 0 उतारना बाकी था, 980। अब तुमने देखा ये रहा 980, 196 5 980 होता है, 5, तो ये हो गया तुम्हारा 980, 0 0 आ गया। यानी मैं तुम्हें फिर से बोल दे रहा हूँ, 196 है ना, उसका तुमने 38,220 में भाग दिया तो तुम्हारा उत्तर आया 195 आया है, और शेष इत्तेफाक से 0 मिल गया एक ही स्टेप में, यानी ये सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। 195 प्लस शेष कितना आया? 0। तो एक स्टेप में खत्म ही हो गया, 0 आ जाओ तुम्हारा रुक जाने का मैंने बोला था, तो बराबर के तुरंत बाद उत्तर क्या मिला? 196। इसलिए HCF 196 बराबर और 38,220 का उत्तर 196 आया है। ख्याल है? तो ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फिनिश होता है। अब तीसरा सवाल देख लेते हैं अपने, तीसरा सवाल ये थोड़ा कठिन सवाल है। चलो तीसरा सवाल है, 867 और 225 तुम्हारी किताब में तीसरा सवाल है। अब इसका अपने को क्या करना है? HCF निकालना है बराबर, 255 है, एक मिनट देख लेंगे। हाँ 255 है भाई, 255 है। अब चलो अपने कोई भी दो आंकड़े लेने हैं बराबर, और तुम्हें घर काम में ऐसे कई सारे आंकड़े बना के सवाल कर सकते हो। अच्छा, तो 255 और 867 में बड़ा कौन? तो 867 के बराबर लिखना है तुम्हें 255। अब तुम्हें क्या करना है? 255 का भाग देना है 867 में। ठीक है, अब देखो 255 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 867 लाना है या उससे कम लाना है बराबर। 255 का पहाड़ा इजी है, ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से पढ़ते हैं। 255 एकम 255, 255 दूनी हो जाएगा 510 बराबर ना? हाँ, 250 250 500 हो जाता है, 5 बढ़ जाएगा, नहीं 255 दूनी 510 हो जाएगा। अब 255 क्या ही कितना हो जाएगा? 700। हाँ 765 बराबर ना? हाँ 3 बार, हाँ 3 बार में हो जाएगा 765। अभी इसको घटा लेते हैं, 867 में से 765 घटाने, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गया 1, तो ये तुम्हारा शेष है। ऊपर की रकम जो आई है 3 बार गुणे में लिखना है, और जो शेष आया है 102 उसको इस तरह लिखना है। अगला स्टेप, इसलिए बीच वाला आंकड़ा लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ 255 को इस तरफ लिख लेंगे और 102 को इस तरफ लिख लेंगे। अब तुम्हें 102 का भाग 255 में देना है। ठीक है, मैं एक मिनट चेक कर ले रहा हूँ सब बने हैं ना। हाँ माली दक्षा बेटा, तुमको आवाज आ रही है?
ठीक है चल। हाँ, और दिखाई दे रहा है ना बेटा? अच्छा, दिखाई दे रहा है? ठीक, चलो बढ़िया। अब हम देखो 102 का 255 में, हाँ 102 का 255 में भाग देना है। 102 का पहाड़ा पड़ेंगे अपने, 102 एकम 102, 102 दूनी 204, है ना? 102 दूनी 204 ही पढ़ सकते हैं, 3 बार तो 300 से ऊपर चला जाएगा। तो 102 दूनी 204 घटाएंगे, 5 में से 4 गया, 1, 5 में से 0 गया, 5 का 5 और 2 में से 2 गया, 0, 51 बचा। तो गुणे में अपने लिखेंगे ऊपर की रकम 2, और प्लस करके हर बार की तरह लिखना है, हर बार की तरह लिखना है, शेष कितना आया? 51। अगला स्टेप, फिर से बीच वाला आंकड़ा लिखने का नहीं, अब 102 को क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 102, और लास्ट वाला आंकड़ा इधर लिख लेंगे 51। अब 51 से भाग देना है, 51 से 102 में भाग देना है। अब 51 एकम 51, 51 दूनी 102, तो 0 0 0 शेष मिल गया, यानी अपना सवाल यहाँ पे खत्म होने वाला है। ऊपर आया है 2, उसको गुणे में लिखेंगे, प्लस करके शेष लिखेंगे 0, यहाँ पे सवाल क्या हो गया? खत्म। तो बराबर के तुरंत बाद हमें आंकड़ा क्या मिला? 51। ठीक है, इसलिए HCF जो हम मसप ज्ञात कर रहे हैं, किसका? 867,255 का उत्तर क्या मिला? 51 मिला है। यहाँ पे तुम्हारा सवाल क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। दिख रहा है ना अब? बराबर है आदित्य भाई? ठीक, हाँ बरोबर। अभी रुक जाओ, मैं किताब में देख लूँ, दूसरा सवाल ले लेते हैं। ऐसे कई उदाहरण करते, चलो जाने दो, किताब में बाद में लेते हैं। ऐसे मैं चलो चौथा प्रश्न ले लेता हूँ अपनी मर्जी से, एक ले रहा हूँ 435 ले ले रहा हूँ, और एक ले ले रहा हूँ चलो 215 ले ले रहा हूँ। ठीक है, का HCF ज्ञात करना है, बराबर। अब दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा है, रुक जा मैं सेट कर लूँ, 435। तो 435 के बराबर लिखना है 215। अब क्या करना है? 215 का 435 में भाग देना है। तो 215 का पहाड़ा आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। 215 एकम 215, 215 दूनी हो जाएगा तुम्हारा 430, बराबर ना? और यहाँ 435 है, तो क्या करना है? 2 बार पहाड़ा पढ़ना है, 430 आया, बचा 5। तो ऊपर की रकम गुणे में लिखना है 2, और प्लस करके शेष क्या लिखना है? 5। याद रखना, रफ काम तुम्हें लिखना नहीं है, सवाल के स्टेप इस तरह आएंगे, बराबर। चलो अगला स्टेप, 215 यहाँ लिख लेना है, और लास्ट वाला 5 बराबर के इस तरफ लिख लेना है, बीच वाला आंकड़े को जाने देना रहता है हर बार की तरह। अब 5 से 215 में भाग देना है, तो ये रहा 5 से 215 में भाग, तो 5 चौक हो गया ये 20, 21 में से 20 गए, 1 बचा, 5 ऊपर से उतार लिया, अब 5 चाहिए 15 हो गया, 0 0 आ गया। क्या बड़ी जल्दी है, फिनिश हो गया स्टेप। तो ऊपर की रकम आई गुणे में 43, और प्लस करके शेष आया 0। तो बराबर के तुरंत बाद जो लिखा है 5, वही तुम्हारा उत्तर है। तो HCF करके लिखने का, ऊपर 435 और 215 का जवाब, 435 और कॉमा 215 का जवाब आया है 5। इस तरह से तुम्हारा इस तरह का एक सवाल फिनिश है। एक और सवाल देख लेते, अगर नहीं समझ में आया फिर मैं तुम्हें कई सारे सवाल दूंगा घर काम। मान लो चार, अभी थोड़ा कठिन ले रहा हूँ कि लंबा स्टेप है। मान लो एक सवाल लिया है, बोल सर, ये मोबाइल में किताब निकालो, एक उदाहरण का सवाल चला दूं, अच्छा है, किताब निकालो। यार ये पेज में पढ़ाना ना, अच्छा नहीं दिख रहा है, अगर आगे बच्चे देखते कुछ आइडिया लेते हैं।
ये किताब का उदाहरण का सवाल है बेटा, ध्यान देना। कल से मैं बुक लेकर बैठूंगा। चलो देखो, उदाहरण एक का सवाल है, सुनाई दे रहा है सबको? कल से ना सब लोग किताब लेके बैठना। हाँ, 12,576 और 4,052, ठीक है, का एचसीएफ निकालना है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? तो इन दोनों में बड़ा है 12,576। हाँ, तो 12,576 के बराबर लिखने का तुम्हें 4,052, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, 4,052 का 12,576 में भाग देना है। अब 4,052 का पहाड़ा कुछ सुन लो, ज्यादा कठिन नहीं है 4,052 का पहाड़ा, ध्यान से समझना। देखिए, 4,000 को 3 बार गुणा करो तो 12,000 जैसा हो ही जाता है, बराबर? समझ रहे हो ना सब लोग? हाँ बोलो। एक जन चार, हाँ हाँ। अब 4,052 का 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12,156, बराबर ना? मैंने डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ सवाल, 4,052 का 3 बार पहाड़ा पढ़ा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 12,156। अब घटा देते हैं, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, ऊपर आया 3। प्लस करके यहाँ गुणा करके 3 लिखना होता है और प्लस करके लिखना है 420, ठीक है। अब अगला सवाल, अगला स्टेप, बीच में 3 है उसे लिखना नहीं है, बीच में जो 3 है उसे लिखना नहीं है। अब 4,052 को तुम यहाँ लिख लो, बराबर 3 को मत लिखना है। अब ये 420 है, ये 420 लिख लो। अब तुम्हें 420 का भाग देना है 4,052 में, तुम्हें यहाँ कर ले रहा हूँ, 420 का भाग देना है 4,052 में। 3 आंकड़े हैं यहाँ 420 और यहाँ है 405, तो अगर 3 आंकड़े में भाग दे तो यहाँ 420 है तो भाग जाएगा नहीं, इसलिए तुम्हें 4 आंकड़े लेने पड़ेंगे। अब 400 का पहाड़ा अगर 10 बार पढ़ते हैं 400 दाम 4,000 होता है, जबकि यहाँ 4,052 है, तो तुम्हें 9 बार ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 420 नवैया कितना होता है वो तुम्हें अंदाजे यहाँ पे मतलब गुणा करके लिखना है, तो मैं लिख ले रहा हूँ, 4 0 का 0, 4 2 8 सॉरी 9 2 18 की 8, 8 6 9 4 36 1 37, ये तुम्हारा है 3780 जितना आएगा। 2 में से 0 किया 2, यहाँ 15 ले लो, 15 उधार, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 15 में से 8 गए 7, 9 में से 7 गए 2 और यहाँ से 1 दिया था तो 3 में से 3 गया 0, 272 बचेगा। तो 420 में गुणा करना है 9 का और प्लस बचेगा 272, ठीक है। अगला स्टेप में क्या करेंगे, 420 को यहाँ लिख लेंगे और 272 को इधर लिख लेंगे, 272 यहाँ लिखो और 420 अंदर। अब 272 का तुम्हें 420 में क्या करना है, भाग देना है, ध्यान से। 272 दूनी, तो तुम जानते हो कि दूनी किया मैंने तो 420 से ऊपर रकम चली जाएगी, तो 272 एकम 272 ही लेना पड़ेगा। यहाँ हो गया 10, 10 में से 2 गए 8 बचे, यहाँ हो जाएगा 1, 1 में से 7 जाएगा नहीं तो 1 उधार दे दो इसको, यहाँ हो गया 3, 11 में से 7 जाएंगे ये हो जाएंगे तुम्हारे 4 और 3 में से 2 गया 1, 148 आएगा, ठीक है। तब इसको गुणे में लिखेंगे 1 ऊपर की रकम और नीचे जो शेष आया 148 प्लस करके 148 लिखेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप, 272 को इधर लिखो और 148 को यहाँ लिखो। अभी 148 का 272 में क्या करना है, भाग देना है, यहाँ कर दे रहा हूँ,
148 का 272 में भाग देना, 148 यानी लगभग 150 के आसपास, बराबर। अगर 148 का पारा मैंने दो बार अगर पढ़ूंगा तो 272 से ज्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार पढ़ना पड़ेगा 148 एकदम 148। अब मैं घटा देता हूँ, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ हो गया 6, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ हो गया 1, 1 में से 1 गया 0, 24 बचा। ऊपर की रकम को 1 लिखने का गुणे में प्लस, और नीचे रकम रही 24। अब आ जाओ इधर, 148 इधर और 24 इधर, बीच वाली रकम 1 लिखा नहीं। अब 24 का पहाड़ा 148 में भाग देना है, ठीक है। यहाँ गलती तो नहीं हुई ना, 272 में से 148 बेटा है, नहीं 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 गलती हुई, 148, हाँ हाँ यहाँ दो में से एक गया था, एक नहीं दो में से एक, 124 बचेगा बेटा, यहाँ घटाने में भूल की मैंने, 124। वो क्या मोबाइल में देखना पड़ता है, नीचे 24 चौपड़े में भी देखना पड़ता है। चलो तो 124 बचेगा, अब 124 बचा, ऊपर की रकम 124 से अब तुमको भाग देना है, 124 से 148 में भाग देना है, 124 से कम 124 ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 24 बचेगा, कितना बचेगा 24, 148 में से 124 जाएगा तो 24 बचेगा, ऊपर में एक आएगा प्लस करके 24 आया, ठीक है। अगला स्टेप, अब 124 को यहाँ लिखना है और 24 को यहाँ लिखना है। अब 24 का पारा मुझे आता है, तुमको भी आता होगा, 24 पंचे 120 होता है, तो पंचे 120 और शेष कितना बचेगा 4, क्योंकि 124 लिखा है, यानी कि 24 का जब तुम 124 में भाग दोगे, 24 पंचे 120 होगा और प्लस करके 4 लिखना पड़ेगा तभी तो, ताकि पूरा 124 पूरा हो जाएगा। अगला स्टेप, 24 इधर लिख लो, 4 इधर लिख लो, जैसे जैसे तुम नजीक नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे आंकड़े क्या हो जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, 4 का पहाड़ा 24 में भाग देना है, तो ये हो जाएगा सीधे 4 छंग 24 पूरे चले गए, तो शेष तुमको 0 ही मिलने वाला है, तो यहाँ पे स्टेप तुम्हारा खत्म हो गया। तो उत्तर क्या मिला, तो बराबर के तुरंत बाद क्या उत्तर मिला, 4, ठीक है। तो 12,576 जो मैंने ऊपर प्रश्न लिखा है, 12,576 और 4,052 का HCF यानी कि मसप कितना मिला है, 4 मिला है। आई बात समझ में, सब लोग माइक ऑन करो, तो ठीक है। कनौजिया मानसी, मानसी सुनाई दे रहा है, मानसी जवाब दो, माली दक्षा, दक्षा हाँ तुम्हें समझ में आया, किसका अच्छा अच्छा सबको आवाज आती होगी ना, हाँ तो नेक्स्ट टाइम से मैं, हाँ हाँ ठीक है, तो उसका आवाज बंद करा देंगे अपने, म्यूट कर दे भाई आदित्य। फिर मैं खाली पूछ लो, आज बस इतना ही पढ़ाऊंगा, कल दूसरा सवाल अपने लेंगे, ठीक है, नीचे के सब सवाल, हाँ ठीक है। तो चलो बस आज, हाँ ठीक है, आज इतना ही, सब लोगों को बाय, टाटा, गुड नाइट।